हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, बात करते हैं आज की 10th क्लास के लिए बायोलॉजी का एक बेहतरीन चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, लाइफ प्रोसेस, जिसमें काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं और बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आज लेकर मैं आया हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों रेस्पिरेशन का टॉपिक, और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मैंने स्टडी करा दिया था आपको। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में किस तरीके से होता है। अब देखो, एनिमल्स का मतलब एनिमल्स से नहीं होता है, एनिमल्स का मतलब साथ में कुछ आदमी भी जानवर हो जाते हैं, समझ में आ रही है बात, यानी ह्यूमन बींग्स इसमें अंदर आ जाते हैं। दोस्तों, बात करें एनिमल्स के बारे में तो देखें, जब मैंने आपको न्यूट्रिशन स्टडी कराया था तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एनिमल्स के क्लासिफिकेशन होते हैं वो दो टाइप से हो जाते हैं, है ना। क्लियर बताया था मैंने आपको या नहीं बताया था? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, समझ में आई बात। तो यहां पर भी हम रेस्पिरेशन में दो पॉइंट्स में इनको स्टडी करेंगे, यूनिसेल्युलर का रेस्पिरेशन कैसे होता है और मल्टीसेल्युलर का रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। दोनों बातें मैं आपको यहां पर कराऊंगा और उम्मीद है कि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, चलें बात करते हैं आगे। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर। और यूनिसेल्युलर में एग्जांपल्स आ जाते हैं अमीबा का, पैरामीशियम वगैरह, जो मैंने आपको पहले स्टडी कराया था। उसके बाद मल्टीसेल्युलर में आ जाता है बच्चा लोग, फिश आ जाती है, ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन इन अमीबा के बारे में, है ना, यही से बात को स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेशन इन अमीबा। अब हमको एक बात पता है क्या कि अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, कैसा भी हो जाता है, ये न्यूक्लियस होता है बीच में, है ना। अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये बात हम जानते हैं। चलो देखो, सिंपल सी बात ये है क्या कि ऑक्सीजन तो लेनी जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए। अब अमीबा के अंदर ऑक्सीजन जाती कहां से, सवाल ये बनता है। देखो, मैंने आपको बताया था अमीबा कहां होता है, पानी के अंदर होता है, जल के नीचे होता है, समझ में आई बात। तो जल में, पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और अमीबा वहां से ऑक्सीजन को खींच लेता है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में। चलो अब और थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन पर देखें जरा क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर। वी नो दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल एनिमल्स, सिंगल सेल होती है, द वॉल्यूम ऑफ अमीबा इज सो स्मॉल, अमीबा का खुद का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत छोटा होता है और फिक्स नहीं होता है शेप साइज, है ना। दैट ऑक्सीजन ऑटो यानी कैन क्विकली स्प्रेड टू होल बॉडी बाय द डिफ्यूजन, है ना, जैसे कि ऑक्सीजन टकराता है तुरंत ऑक्सीजन इसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है। ऑक्सीजन ब्रिंग्स अबाउट एंजाइम्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करता है फैट्स एंड प्रोटीन का भी, एंड ब्रेक देम इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, उनको जो बड़े बड़े कंपाउंड है फैट टाइप के उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एनर्जी स्टोर्ड इन हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर एनर्जी फिक्स हो जाती है। तो दोस्तों, सीधी सीधी बात यह है, क्या क्या करता है ये, वॉटर में से ऑक्सीजन को निकालता है और CO2 में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए मैंने इसका एक फॉर्मूला बनाया है, O2 कन्वर्ट इन टू CO2 इन वाटर, इस एरो के ऊपर आप लिख लेंगे इन वाटर, है ना, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा अमीबा है और वाटर के अंदर पड़ा हुआ है, और टू डिफ्यूजेस इनटू अमीबा। तो ये क्या कर रहा है, देखो बाहर क्या है, H2O जल है, वाटर में से ऑक्सीजन को ले लेता है और इसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होने के बाद सेल मेम्ब्रेन में ये CO2 को कहां कर देता है, बाहर का रास्ता दिखा देता है, अपनी बॉडी में से बाहर निकाल देता है। क्लियर आ गई बात समझ में, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका कलर डायग्राम भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, देखें दोस्तों दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे आपको। तो क्या हो रहा है, वाटर के अंदर से क्या ले रहा है, सेल मेम्ब्रेन CO2 को डिफ्यूज कर रहा है और O2 को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, चलो जी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चा आगे की बात को स्टार्ट करते हैं, देखें अब आ गए आपके सामने मछली है, मछली देखकर मुंह में पानी आ गया होगा कुछ के तो, है चलो ऐसा है कि नहीं है भाई, ये कहां हो गया भाई, पीडीएफ में तो दिक्कत तो नहीं है। ठीक है चलें बच्चा लोग, क्लियर है। तो हम कहां थे, हाँ मछली देख करके मुंह में पानी आ गया होगा, मजा करें। देखें जरा सीधी सी बात यह है कि मछली भी क्या करती है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करती है और अपना क्या करता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराती है। कैसे करती है देखें, स्क्रीन पर दिखाई दे, गिल्स आर फाउंड इन फिशेस, जिनको हिंदी में गलफड़े भी बोल देते हैं। फिश के अंदर क्या होते हैं, देखो जैसे हमारे नोज है ऐसे ही फिश के अंदर मुंह से क्या लेती है, पानी लेती है और वे क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं और उसमें से केवल ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, बाकी को बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं,
इसको हिंदी में जैसे आप चाय वगैरह छानते हैं उसको छन्नी बोलते हैं, ऐसे ही छन्नी इसकी छाती में लगी रहती है ना, जिसको हम गिल्स बोलते हैं। गिल्स आर फाउंड इन फिशेस, प्रॉन्स एंड मकल्स, स्नेल्स, इन सभी जानवरों में ये पाए जाते हैं। सीधी सीधी बात, मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, इससे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि मछली करती क्या है। देखो, वाटर में से H2O में से क्या निकाला उसने, गिल्स के माध्यम से ऑक्सीजन निकाल लिया फिश ने, और ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया ब्लड के साथ में, उसके अंदर जो खुद का ब्लड होगा, है ना। और उसके बाद गेट क्या निकाल बना लिया, CO2 बना लिया, ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स करा के CO2 बना लिया, और CO2 को कहां भेज दिया, एग्जिट बाय गिल्स, गिल्स से बाहर की तरफ को CO2 को छोड़ दिया। समझ में आई बात, यानी इतनी बात क्लियर है। देखें आगे, रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ फिश लोकेटेड इन गिल्स पाउच, इसमें क्या होते हैं छोटे छोटे पाउच, पैकेट बैग टाइप के कुछ पाउच होते हैं। नंबर ऑफ गिल्स पाउचेस एंड गिल्स वेरी इन फिशेस, बहुत सारे गिल्स होते हैं, छोटे नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, डायग्राम में दिखाऊंगा अभी आपको। ईच पाउच ओपन इन फॉरनेक्स, फॉरनेक्स मतलब समझते हैं क्या होता है, जैसे हमारे ये नली है, इसको हिंदी में ग्रास नहीं बोलते, ग्रास नली भी बोल देते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे ही इसको फॉरनेक्स बोलते हैं जो एनिमल्स में होते हैं। देखिए डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सुंदर सी बिचारी सुशील स्वभाव की मछली आपको दिखाई दे रही होगी, इसका माउथ है और माउथ के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा आईज है, और आईज के पीछे देखो इस तरीके से आपने, जैसे आपने मैच बॉक्स की स्टिक्स रख दी हो, तो इस तरीके से आपको गिल्स कवर रिकवर दिखाई देगा, छोटे छोटे गिल्स होते हैं जो ये काम करते हैं। आगे बात समझ में भैया, चलो अब एक बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के लिए, क्या एग्जाम में डिफरेंस पूछने जाता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के ऊपर, कोई भी दो पॉइंट बताइए। देखो स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स डू नॉट ब्रीथ, प्लांट जो ब्रीथ नहीं करते हैं, लेकिन एनिमल को रेस्पिरेशन के लिए ब्रीथ करना बहुत जरूरी है। समझ गए आप लोग, जैसे हम लोग हैं हमको सांस लेना बहुत जरूरी है ना। चलो प्लांट्स की बात करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स, प्लांट के अंदर पौधों की पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं वही क्या कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता है, है ना। एक्सचेंज ऑकर्स इन लोअर एनिमल्स बाय डायरेक्ट डिफ्यूजन, दैट इज अमीबा, इनमें डायरेक्ट हो जाता है। नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्लांट्स में नहीं होता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन हायर एनिमल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन सच एज गिल्स एंड लंग्स आर प्रेजेंट, जैसे हमारे पास क्या है, लंग्स होते हैं फेफड़े, है ना, और फिश वगैरह के पास क्या होता है, क्या होता है, गिल्स होता है, अभी मैंने आपको बताया भाई। चलो अब पढ़ते हैं ह्यूमंस के बारे में, है ना, अमीबा हमने पढ़ लिया है, फिश हमने पढ़ लिया है, और हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस क्या करते हैं, सीधी बात है, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है और फिर कन्वर्ट कर देती है फूड के साथ, ब्लड के साथ मिक्स करा के CO2 में, और CO2 को आपने बाहर निकाल दिया, यही तो है। चलो थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से आपको क्लियर कराता हूं। देखें रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, मेन ऑर्गन क्या क्या होता है इसके अंदर, अगर हम बात करें बच्चा, लंग्स होता है, और ये लंग्स क्या होता है, ये लंग्स वाटर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमको पानी में डाल दिया तो हम टपक जाएंगे, हम ऐसा नहीं है कि पानी में से पानी को पिएंगे मछली की तरह, और गलफड़े गलफड़े ऐसा काम नहीं करते हैं, ये केवल एयर से कनेक्ट होते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं, एयर से, इसलिए मैंने इसके सामने दो पॉइंट लिखे हैं, वाटर रोंग लगाया है और एयर राइट लगाया, यानी लंग्स जो है वो एयर को एक्सेप्ट करेंगे, वाटर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चा लोग। देखेंगे इन ह्यूमन एंड अदर लैंड, जो लैंड के जो एनिमल्स होते हैं, है ना, जैसे डॉग हो गया या काउ हो गई या बफेलो हो गई, इन सब की बात कर रहे हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स, है ना। चलो अब देखो, मैंने मेरे ड्राइंग में से तो कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोगों का काम चल जाएगा, है ना। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने हाथों से ही आपको चीजें बना करके दिखाऊं, है ना, बाकी तो इसके वैसे भी पिक मिल जाती है। देखें जरा, अब देखो ये मैंने बना रखा है फोटो, बड़ा गजब सा है, सलमान खान है दूसरा, देखो जरा है, अब देखो इसमें क्या बता रखा है, देखो नेसल पैसेज सबसे ऊपर जो है, नाक से आप क्या लेंगे, सांस को लेंगे, नेसल पैसेज से सांस को लेंगे, माउथ, उसके बाद बोनी पैलेट्स ऊपर का जो हिस्सा जिसके अंदर ये जाएगा, उसके बाद फारेक्स और लारेक्स, दो पॉइंट होते हैं। फारेक्स क्या होता है, थ्रोट, गले, ये जो गला है और माउथ के बीच का जो पार्ट होता है उसको फेरेक्स बोलते हैं, और लैरिंक्स क्या होता है, जहां से आवाज आपकी निकलती है। उसके बाद ये कहां जाता है, सीधा सीधा ग्लोटी में जाता है, जहां से कनेक्ट, जहां से ये नली कनेक्ट होती है छाती से, ठीक है, उसको ट्रेचिका भी बोलते हैं, विंड पाइप, जिसमें से हवा अंदर जाती है, ठीक है। और ये अंदर जाके जाके देखो, आपने देखा होगा लेफ्ट वाला जो है थोड़ा सा छोटा है और राइट वाला थोड़ा सा बड़ा है, यानी लेफ्ट वाले में केवल दो पार्ट होते हैं और राइट वाला जो होता है लंग्स
वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। इसके अंदर आपने देखा होगा जो बड़ी हड्डी से अंदर जा रही है ये फिर दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, इनको ब्रांचेस बोलते हैं। कितने ब्रांचेस होते हैं? दो ब्रांचेस, और यही ब्रांचेस ब्रांचिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स निकल रहे हैं ऊपर को, है ना, एक ब्रांच में से कितने सारे ब्रांच निकल गए, और फिर उसके अंदर भी छोटे छोटे इस तरीके से पत्ते, जैसे घर में बना दूंगी ये इस तरीके से, तो उसके अंदर भी इस तरीके से। समझ में आ रही बात? तो एयर सबसे पहले नेसल पैसेज से ओवर होती है, फिर माउथ कैविटी से होती हुई ग्लोटिस से होती हुई कहा जाती है लंग्स के अंदर आती है ब्रांचेस में, और ब्रांचेस इसको कन्वर्ट करा देते हैं कहां पर? ब्रांचीज में, इन वाली इनमें आता है फिर। और ये फिर कहां पर जाती है? देखो मैंने दिखा रखा है राइट साइड में एल्वोली, एयर सैक। सैक का मतलब समझते हैं आप, सैक ऐसा समझ रहे आप कि एक्सेप्ट करने वाला, है ना। तो एल्वोली कौन सा होता है? ये होता है, ये किससे मिक्स होती है? ब्लड से कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होती है? ब्लड से। ये डायरेक्ट ब्लड से कनेक्ट होती है और ब्लड के अंदर मिक्स करा देती है। सिंपल बात है। चले इतनी बात आपको समझ में आ गई, और नीचे का डायफ्राम होता है, ठीक है भैया। अच्छा देखो एक डायग्राम मैंने आपको और बनाया जिससे आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले नेसल पैसेज, फिर ट्रचिका, रिंग्स ऑफ कार्टेज जिसको बोला जाता है, हड्डियों का ढांचा जो रिंग बनी रहती है, ब्रांचेस में जाता है, एल्वोली में जाता है, फिर ब्लड कैपिलरीज में जाता है, वहां से टिश्यूज में जाता है, और फिर सेल्स के अंदर जाता है जहां पर ग्लूकोज H2O CO2 प्लस एनर्जी आपको प्रोवाइड कराता है, और इन तीनों चीजों को आप बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इस डायग्राम को स्टडी करो एक बार और जल्दी से, जो मैंने अभी अभी लिखाया एक बार फिर दोबारा से स्टडी करते हैं पूरे को, अप से लेके डाउन तक। आ गया ना समझ में? यही आपको ध्यान रखना है भैया। मैं फिर आपको बता रहा हूं एक बार फिर दोबारा से, नेसल पैसेज नाक से गया, ट्रचिका में गया, ब्रांचेस में मिला, एल्वोली में मिला, फिर ब्लड कैपिलरीज में मिलेगा, टिश्यूज में मिलेगा, सेल्स में मिलेगा, और वहां से फिर ग्लूकोज में एंटर करेगा, और ग्लूकोज तो आप जानते ही हैं H2CO2 प्लस एनर्जी आपको प्रोवाइड कराएगा, जिसको आप नोज के माध्यम से फिर बाहर निकाल देंगे। आई बात समझ में आ रही? क्लियर है इतनी बात? चलो जी इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है बच्चा। चलिए आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखें यार ये लो जी बच्चा, आपको जैसी भी क्लास लगे ना कमेंट कर दिया करो जरूर, है थोड़ा सा हमको भी पता लग जाता है कि हमारी मेहनत आप लोगों के काम आ रही है या नहीं आ रही है ना। कमेंट जरूर किया करें, जैसी भी क्लासेस आपके लगी हैं, आपको फायदे कभी लगी हैं या नहीं लगी हैं, या क्या कमी आपको हमारी क्लासेस में लग रही है, जरूर बेझिझक बता दें, है ना, हम उसमें सुधार करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए देखो कलरफुल डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बॉनी पैलेट्स, नोज, नोस्ट्रिल्स, ये सारी चीजें लिखी हुई है, ट्रचिका, विंड पाइप, ब्रांचेस, लंग्स, ब्रांचली, एल्वोली, फिर डायग्राम नीचे आ गया होगा समझ में आपको। चलो देखिए लंग्स के बारे में दो बातें हो जाती हैं, है ना। लंग्स आर टू सॉफ्ट कॉनिकल स्ट्रक्चर इन द थोरैक कैविटी, दो होते हैं, कॉनिकल शेप में होते हैं। द लेफ्ट लंग हैज टू लोब्स, इसके अंदर दो लोब होते हैं अपर और लोअर। वेयर इज द राइट लंग हैज थ्री लोब्स, अपर, मिडिल और लोअर, तीन लोब्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। ईच लंग्स हैज अ कवरिंग मेम्ब्रेन दैट इज प्लूरा, क्या होती है? कवर करने के लिए, क्लियर होती है, जिसको प्लूरा बोलते हैं। आगे बात समझ में? इसके बाद बात करते हैं फंक्शन की। देखो लंग्स का मेन फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं बच्चा, तो ध्यान देंगे आप, मेन फंक्शन ऑफ लंग्स इज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज एंड कॉल्ड रेस्पिरेशन, ऑटो फ्रॉम इनकमिंग एयर एंटर्स द ब्लड एंड CO2 अ वेस्ट गैस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म लीव्स द ब्लड। ये सारे के सारे फंक्शन हो जाते हैं लंग्स के, क्या क्या फिर दोबारा देखेंगे। मेन फंक्शन ऑफ द लंग्स इज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज, गैस को एक्सचेंज करना, आपने ऑक्सीजन अंदर ली और कन्वर्ट होकर घूम फिर दिया, फिर दोबारा क्या आई आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आपने छोड़ दिया बाहर। समझ में आई बात? दूसरा ऑटो फ्रॉम इनकमिंग एयर, जो एयर आ रही है उसमें से ऑटो को निकालना, एंटर्स द ब्लड, ब्लड के अंदर ले जाना, फिर CO2 को बनाना, और वेस्ट गैस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के अंदर से ब्लड के ऑटो CO2 को बना करके निकालना, और लीव्स द ब्लड, ब्लड को छोड़ देना। समझ में आई बात? उसमें से CO2 निकाल देना, CO2 को फिर नोज के माध्यम से आप बाहर निकाल देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? तो कंप्लीट PDF आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप इसको स्टडी करने के बच्चा लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आशा है, उम्मीद है हमारी कि आप लोगों के बहुत यूजफुल हमारी क्लासेस आ रही होंगी। बहुत जल्दी से मैं कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, एक नई सीरीज जिसके बारे में हम आगाज करेंगे बहुत जल्दी ही, ठीक है। तब तक मैं आपका फिजिक्स का जो पोर्शन बचा हुआ है
मैग्नेटिज्म वाला, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है बच्चा लोग। और एक एक मैराथन ले लेंगे हम, केमिस्ट्री का जो चैप्टर आपके बचे हुए हैं है ना, एसिड बेस वगैरह, मेटल नॉन मेटल, उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।